वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ ऑफ अनु। और आज है दिवाली, तो सब लोगों को हैप्पी दीपावली। और मेरा तो तबीयत ख़राब है, दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और काम भी बहुत है अभी भी, क्योंकि शाम का तैयारी जो है वो अभी से ही सारा काम ख़त्म होगा तभी कर पाएंगे। साथ में बेबी भी है तो खुद ही बीमार है, इसी तरह से सब कुछ करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। करना तो है ही, छोड़ नहीं सकते, आज फेस्टिवल का दिन है। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग अभी स्टार्ट किया, सुबह के बज चुका है 10। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या काम अभी करना है, बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे। तो चलिए सबसे पहले गैस को साफ करते हैं, देख सकते हैं गैस, ये एक अर्बन वाइप है जो कि बहुत अच्छे से क्लीन करता है गैस को, और कोई भी चिकनाई हो या फिर ये जला हुआ है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। बहुत आसानी से नहीं बोल सकते हैं, इसको डालने के बाद 10 से 15 मिनट छोड़ के और उसके बाद उसको घिसना पड़ता है, और घिसने के बाद वो आसानी से निकल जाता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो देख सकते कैसा चमक गया है ये गैस मेरा, और बस थोड़ा सा इसमें मेहनत लगा और ये चकाचक साफ हो गया। और उसके बाद इस पर जो साइन आता है वो एक दिन, ऐसा नहीं है कि आज इसको साफ किए हैं तो कल इसका साइन चला जाएगा। इसको आप इस तरह से गीले कपड़े से भी पोंछ दें तो इसी तरह इसका साइन बना रहेगा। तो आज दिवाली है तो सारे बेडशीट को भी चेंज कर देंगे, वैसे तो एक दिन पहले भी कर सकते थे बट मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मेरा मन भी नहीं हुआ ये सब करने का। तो अभी चलते हैं, ये बेडशीट चेंज कर रहे हैं इस रूम का और इसको भी धो देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नया बेडशीट है तो इसको डाल रहा है, और ये बॉम्बे डाइंग का बेडशीट लिए थे न्यू, जब मम्मी के पास गए थे तभी वहाँ पे ये हमको बहुत अच्छा लगा था, चेक चेक डिज़ाइन में, और पहली बार इस तरह का बेडशीट देखे तो मैंने वहाँ के ले ही ले। तो देख सकते हैं प्योर कॉटन है और बहुत अच्छा है, और इसमें हर कलर है देख सकते हैं, तो कलरफुल अच्छा लगता है। और बीच में बिछाने का मौका ही नहीं मिला, और आज सोचे कि क्यों ना न्यू है ही तो फिर यही बिछा दे। और साइज़ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये छोटा है साइज़ में, बट कोई नहीं, इसको भी मैनेज कर लेंगे इसी तरह से। और बेडशीट का क्या है, एक साल या दो साल में ख़राब हो ही जाता है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर पिलो कवर भी लगा देता है। तो बस मेरा इस रूम का काम हो चुका है, और दूसरे रूम में भी बेडशीट चेंज करेंगे। और ये सब काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट ये करना ज़रूरी है। और साथ में मेरा असिस्टेंट भी मेरे साथ ही है, देख सकते हैं उसको, कोई भी काम करें और ये साथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ घूमते रहता है। और दूर से कितना प्यारा लग रहा है बेडशीट आ गया है यहाँ पर। और इस रूम के लिए ये ब्लू बेडशीट, यहाँ पे जैसे बेडशीट हम डाल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखो कितनी सुंदर है पानी में वो तैरती है, रंग बिरंगी छुट्टा नहीं चाहिए, मछली चलती रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा के काम पे लगा रहा हूँ। तो हो चुका है, और इसका भी पिलो कवर चेंज करेंगे, तो देख सकते हैं। और हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, अभी आज फेस्टिवल है तो सब कुछ करना है। और इसके बाद झाड़ू पोछा और फिर कपड़े भी हैं, इधर उधर जो घूम के रखा हुआ है उसको भी फोल्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था मेरे टाइम से, तो सबको भी इसी पर रखेंगे, सबको फोल्ड करेंगे खाना बनाने के बाद। बाकी सारा काम हो जाने के बाद यहाँ पे आ गए हैं, पूजा का बर्तन जो था वो सब धुल दिया, और जो दिया था उसको पानी में रख के थोड़ा देर छोड़ा जाता है, उसके बाद फिर रात को जलेगा, तो उसको भी पानी में डालना था। तो नहा धो के यहाँ पे आ गए हैं दिया को धुलने के लिए। तो यहाँ पे दिया को पानी में डाल दिया, और उसके बाद एक एक करके इसको सुखा लेंगे।
और देख सकते हैं इसको पास से डालेंगे तो कैसे ये पानी सोक कर रहा है वो देखेंगे, जैसे गुलगुला भी और साथ में आवाज़ भी आ रहा है, तो इसलिए पानी में डालना धनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तेल को हम एब्जॉर्ब करें, तेल या घी जो भी आप डाल रहे हैं उसमें, इसलिए इसको पानी में डाल दिया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं किस तरह से ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको एक घंटे के लिए मिनिमम छोड़ना ज़रूरी है। तो एक घंटे के बाद यहाँ पे आज देख सकते हैं ये पानी बिल्कुल सूख लिया है, और इसके बाद इसको निकाल के बाहर छोड़ देते हैं ताकि ये सूख जाए। और उसके बाद फिर मेरा पूजा का भी डेकोरेशन है ये सब करना बचा हुआ है, और छोटे छोटे दिए कोई टोकरी में रखेंगे, वरना देख सकते हैं ये खिड़की का जाली जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा है, तो ये छोटा दिया इस पर अटकेगा नहीं, गिर जाएगा और डर भी रहता है, तो इसलिए इसको टोकरी में रखेंगे। ये छोटा टोकरी पूजा के लिए ही खरीदे हुए हैं, जो भी पूजा का सामान होता है फूल पत्ती वो सब इसी में रखते हैं। और देख सकते जो बाकी का दिया है वो सब भी डाल रहा है, तो ये सब भी उसी तरह से पानी सोख कर रहा है जैसे बुलबुला बाहर आ रहा है। सिवाय नहीं है यहाँ, अभी सो गया सिवाय। पूजा का भी डेकोरेशन हो गया है यहाँ पे, और पूजा का बर्तन भी साफ़ हो गया। अब डायरेक्ट मिलेंगे आपसे शाम को। तो हो चुका है शाम और हम हो चुके हैं रेडी। यहाँ पे रंगोली भी मेरा रेडी है, और घर के बाहर भी एक रंगोली बनाया है, तो यहाँ पे आ चुके हैं दिया जलाने के लिए। बाकी भगवान के पास और तुलसी के पास पहले से ही दिया रख दिया, तो यहाँ पर बाकी जगहों पर दिया रख रहा है, बट बेबी की वजह से सारे जगह पर दिया रखना मुश्किल था, नीचे नहीं रखे हैं, एक दो जगह पर ही बस नीचे रूम में रखे हैं, किचन में रखे हैं, बट जहाँ पे बेबी खेल रहा था वहाँ आसपास में नीचे रखना मुश्किल था, और इसको देखना भी पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था इसलिए। तो इस बार लक्ष्मी जी का बहुत सुंदर मूर्ति लिए हैं, तो आपके साथ शेयर कर रहा है, देख सकते हैं जो कि है गोल्ड प्लेटेड ब्रास का है ये, तो कितना सुंदर लग रहा है। और ये परमानेंट है रखने के लिए, क्योंकि मिट्टी का अगर लेते हैं तो उसको अगले साल विसर्जित करना रहता है, और यहाँ दिवाली में हमेशा होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये परमानेंट लिए ताकि हमेशा पूजा होता रहे और विसर्जन करने का जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम पूजा भी कर लेते हैं, और यहाँ रंगोली देख सकते हैं, और साथ में होममेड कैंडल्स कितने अच्छे से जल रहा है, और मार्केट से लिया हुआ कैंडल से ज़्यादा अच्छा ये कैंडल जला है। और यहाँ पे रहा बेबी का आउटफिट, जो कि कहाँ से लिए हैं वो आपके साथ अगले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे, क्या क्या लिए हैं, कैसे इसके कपड़े का शॉपिंग हुआ है, कहाँ से, और कुछ नया है, बहुत कुछ शेयर करना है, तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहिएगा। और यहाँ पर आ गए हैं हम लोग, पूजा का तैयारी कर रहे हैं, जो कि पोटली बना रहे हैं लक्ष्मी जी के लिए, जिसमें कौड़ी है, कमलगट्टा है, लक्ष्मी चरण है, पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी, ये सारा कुछ रख के, और गोमती चक्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सारा कुछ रख के पोटली बनाते हैं। और कहा जाता है इस पोटली को लक्ष्मी जी को चढ़ा के उसी दिन अपने तिजोरी में रख दें, या फिर जहाँ भी आप पैसे वैसे रखते हैं वहाँ पे रख के धन बना रहता है, और लक्ष्मी जो है हमेशा आपके घर में बनी रहती है। तो पहले भी लिए थे ये सब सामान, बट पता नहीं था कि किस तरह से उसको चढ़ाते हैं, किस तरह से फिर उसको रखा जाता है तिजोरी में या फिर पैसे की जगह पर, ये सब नहीं पता था, तो इस बार पता है। तो फिर मेरे पास सारा सामान वैसे ही पड़ा था, तो सबको सोचे क्यों ना इस बार पोटली बना के रखते। तो इस तरह से कहा जाता है, तो आप भी ज़रूर करें, आपके पास भी अगर ये सब हो। मार्केट में दिवाली में हर जगह पे आपको कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी सारा कुछ मिलता है, तो ये सब मेरा पहले का लिया हुआ था, क्योंकि इस बार तो धनतेरस पर टाइम ही नहीं मिला,
मार्केटिंग करने का और ना ही मार्केट निकलने का, उससे पहले ही जो भी था और ये सब छोटा मोटा चीज़ सोचे थे धनतेरस के दिन लेने का, बट मार्केट जा ही नहीं पाए। तो यहाँ पे हम आ गए पूजा करने के लिए, फटाफट से पूजा कर ले क्योंकि बेबी परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा लेट नाइट पूजा करना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए फटाफट से यहाँ दिए जलाने के बाद ही आ गए पूजा करने के लिए। और साईं भगवान के फूल चढ़ा रहे हैं और फूल भी पहले से ही लेके आए थे, जो कि कमल का फूल सोचे थे फ्रिज में रख देंगे सारे फूल को, बट बाहर ही रख लिए। कमल का फूल इस वजह से थोड़ा सा मुरझा भी गया, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरा डेकोरेशन जो है ये 2 साल पहले का है, ये लिया हुआ था जो, तो इस बार भी उसी तरह से सजा दिया। और इन सब को यूज होने के बाद फिर से खोल के रख देते हैं, तो फिर इसी तरह से आपका जो इसमें लटकन है, जो भी तोरण है फूल वाला, ये सारा कुछ वैसे ही रहता है क्योंकि ये कपड़े से बना हुआ है। तो इसको कर लेते हैं और ये दियों को भी रखना है, बेबी की वजह से कहीं पे भी दिया ज़्यादा नहीं रखे हैं, बस ऊपर ऊपर ही रखे हैं बेबी के पहुंच के बाहर। यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया लक्ष्मी जी को और मेरा हो चुका है पूजा कंप्लीट। और कहा जाता है लक्ष्मी जी का आरती नहीं किया जाता है, कि अगर आप आरती करें तो भगवान चले जाते हैं और लक्ष्मी जी चंचल होती है, इसलिए आरती यहाँ पे नहीं किया। तो हो गया है मेरा पूजा और बहुत लोग जिनको पता नहीं है वो लोग आरती करते हैं, और पहले हमको भी नहीं पता था बट अब पता चल गया है, तो इसलिए आरती नहीं किए, बस भगवान का अच्छे से मंत्र जाप। और तो देख सकते हैं फाइनली मेरा पूजा पाठ हो गया ख़त्म और हम आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बेबी अपने काम में लगा हुआ है, जो कि बाल जो भी है, और यहाँ पे ये भी कर रहे हैं पूजा, तो हो गया है। और ये देख सकते हैं मेरा पूजा का लुक कैसा है। तो रंगोली और पूजा का डेकोरेशन आप देख चुके हैं, अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे जो भी फुलझड़ी लेके गए थे सारे बच्चे एक एक करके मांग रहे थे, तो सारा सबका पटाखा जो है वो पहले ही ख़त्म हो चुका था मेरे पूजा करते टाइम में। बहुत लेट से हम नीचे आए और सब लोग पहले से ही छोड़ रहे थे पटाखे, तो यहाँ पे सब लोग लगे हुए हैं और यहाँ पे हम भी लगे हुए हैं। बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती हो चुका है और ये भी देख रहा है फुलझड़ी छोड़ते हुए, सबको देख के इसको भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम भी कोशिश कर रहे हैं फुलझड़ी जलाने का। और यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं नीचे, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो बस इसी तरह से हुआ हम लोगों का सेलिब्रेशन और सब बच्चों के साथ मिलकर पटाखे जलाए। और यहाँ पे सारे बिल्डिंग देख सकते हैं अच्छे से डेकोरेट किया गया है और लाइटिंग बहुत अच्छे से लगाया गया है और कैंडल, ये मेरे नीचे वाले जो है वो बहुत अच्छा कैंडल लगाए, बहुत ज़्यादा लाइट लाइट लगा। यहाँ पे अब हम लोगों का हो गया जाने की तैयारी और इनका सैर शुरू हो गया है। शुरू से ये गोद से उतर ही नहीं रहा था और जब जाने का समय हुआ तब इसको टहलना है नीचे, तो इसका मूड फ्रेश हुआ है। और जब नीचे लेके आए उस टाइम ये गोद से नीचे उतरने का कोशिश भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, रो रहा था। और देख सकते हैं अभी इसको बिल्कुल फुर्ती आ गया है नीचे टहलने के लिए। तो बस यहाँ पे इसको लेके बैठे हैं, रात के 9:30 बज चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे अपने अपने घर। इसी का मस्ती देख रहे हैं और थोड़ा सा टहल रहा है तो सोचे क्यों ना इसको छोड़ दे, अभी थोड़ा सा खेल ले उसके बाद ही जाएंगे घर। चला देखे वो आदमी के अंदर, वो भी देख रहा है कि चलो अंदर जाने का। हाँ
और ये है मेरा दिवाली आउटफिट जो कि लिए थे मीशो से, बट सोचे पूजा करने के लिए साड़ी ही ठीक रहेगा इसलिए पहले साड़ी पहने और अब इसको ओपन कर रहे हैं आपके साथ। तो देख सकते हैं इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा हमको, वैसे हम सोचे थे इसको रिटर्न कर दें बट इसका फैब्रिक इतना अच्छा लगा कि मेरा मन ही नहीं हुआ इसको रिटर्न करने का। बट इसका पैंट जो है वो थोड़ा सा छोटा है बट फिर भी, तो जो भी हेल्दी लोग हैं उनको ये सारा नहीं आ पाएगा क्योंकि हमको ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था इसका पैंट, बट काम चला लिए। तो इसका दुपट्टा ही बहुत सुंदर है और कलर तो इतना अच्छा है कि मतलब इससे पहले ये कलर कभी हम ट्राई नहीं किए थे, इससे डार्क कलर ही पहने थे, पर्पल पहने हैं बट इससे डार्क, बट ये लाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसका लाइट शेड जो है बिल्कुल चेहरे पे खिल के आ रहा है। तो इसको ये अभी पहनेंगे और रात को डिनर हो गया हम लोगों का, तो सोचे एक बार इनको एयरपोर्ट घूमना था क्योंकि एयरपोर्ट बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया तो इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक बिल्कुल सॉफ्ट सिल्क जैसा लग रहा है और इसका प्राइस 1000 समथिंग है। तो इसको पहनने के बाद मेरा लुक देख सकते हैं, कलर बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। अच्छे से डेकोरेट किया गया तो इनका मन हुआ कि एक बार एयरपोर्ट घुमा दें और तो हम लोग निकल गए। और यहाँ भी देख सकते हैं सारे बिल्डिंग बहुत अच्छे से लाइटिंग जो है वो सारा जो लगा हुआ है, और सामने वाले बिल्डिंग में और भी अच्छा लगा था बट तब तक हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आगे बढ़ गए हम लोग। और ये रहा एयरपोर्ट का रास्ता, बिल्कुल आ चुके हैं और सामने दिखता है एयरपोर्ट साइड से जगमगा रहा है। वैसे भी एयरपोर्ट पर पहले से लाइट बहुत ज़्यादा होता है दिवाली में या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छे से इसको भी सजाया जाता है। तो ये पहली बार है, इससे पहले भी एक बार दिवाली पे रहे हैं बट एयरपोर्ट नहीं गए थे, और उस बार शिवाय जो है वो होने वाला था उस टाइम में, तो मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रह रहा था उस टाइम भी, और इतना कुछ पता भी नहीं था कि ये डेकोरेट भी किया गया। इस बार बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया तो सोचे एक बार घूम ले, और शायद ये हम लोगों का लास्ट ही दिवाली है नागपुर में। तो चले और दिखाते हैं आपको एयरपोर्ट का लुक किस तरह से सजाया गया, और यहीं से दिख रहा है इसका डेकोरेशन कलरफुल पूरा पिंक येलो। और यहाँ पे सब लोग रिसीव करने के लिए आए हुए हैं या फिर छोड़ने आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे बस घूमने आए हुए हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़, और यहाँ लैंटर्न देख सकते हैं जो लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ा है, आपको शायद इस पर पता नहीं चले बट जितना ऊंचा एयरपोर्ट ऊपर है उतना ही बड़ा ये लैंटर्न जो है लगाया गया है, बहुत प्यारा लग रहा था ये डेकोरेशन। तो देख सकते हैं इससे पता चल रहा है कि सचमुच आज दिवाली है। तो बस यही था, और पूरे रास्ते को भी अच्छे से सजाया गया, और बेबी को देख सकते हैं यहाँ पे उसका कान ढके हुआ है क्योंकि ठंडा हवा चल रहा है बाहर में, और इसको लेके रात के 10 बजे निकले हैं इसलिए उसको अच्छे से ढक के निकले हैं। और ये रहा पूरा लुक एयरपोर्ट का इधर से, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट गेट है इसके पास, यहीं पूरा अच्छे से सजाया गया है, और यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं अपने फैमिली के आने का या फिर जिसका भी जो भी लोग आ जा रहे हैं उनका। तो बस ये था पूरा एयरपोर्ट का लुक, और पूरे रास्ते को भी इसी तरह से डेकोरेट किया गया। आगे आप इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा रास्ता भी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। एयरपोर्ट का पूरा रास्ता अच्छे से डेकोरेट किया गया, पूरा लाइट लगाया गया और सब जगमगा रहा है पूरा, और यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू ऑरेंज सिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रास्ते में भी जो भी प्लांट्स है सब पे ये लाइट्स लगाया गया, ये टाइगर कैपिटल, और सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे है इसलिए इसको टाइगर कैपिटल भी कहा जाता है। और यहाँ भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू लगा है, और वहाँ पे भी बड़े अच्छे से लाइट्स लगाया गया है, और यहाँ पे हमको देख सकते हैं, और सामने ये रोड है। तो हम लोग आए थे अपने पीछे वाले रास्ते से, और ये आपको सामने से जो रोड मेन रोड है वो दिखा रहा है जो एयरपोर्ट जाने का है।
तो ये भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया। और ये सिटी में सबसे अच्छा डेकोरेशन इसी रोड पे होता है, और जो भी प्लांट्स है और जो भी साफ़ सफाई और अच्छे से जो भी है वो इसी रोड पे आपको दिखाई देगा। वैसे भी सारा साफ़ सुथरा और प्लांट्स तो हर जगह पे है, बट इस तरह का जैसे यहाँ पे बीच बीच में आपको खजूर का पेड़ दिख रहा होगा उस तरह से नहीं है। और चारों तरफ जो भी है बहुत अच्छे से इसका मेंटेनेंस भी होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नागपुर सिटी 7 किलोमीटर है यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, और बगल में जो है ये मेट्रो स्टेशन है तो यहाँ भी अच्छे से डेकोरेशन हुआ है। यहाँ देख सकते हैं महा मेट्रो लिखा हुआ है और उसको भी लाइट से, ये जो है ये साउथ मेट्रो स्टेशन है। और ये रहा इंट्री गेट एयरपोर्ट का, तो हम लोग यहीं से टर्न ले लिए क्योंकि हम लोगों को फिर पीछे वाले रास्ते से ही घर जाना है। तो ये आपको पूरा एयरपोर्ट जो है दोबारा दिखा रहा है, फिर इसी रास्ते से हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तो बस यही था एयरपोर्ट का डेकोरेशन, और आपके साथ ये शेयर किए। वापस हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों का दिवाली इसी तरह से बीता, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर।